इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था पर इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे हाई वोल्टेज लाइन को ब्रेक करने के लिए एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर का यूज क्यों करते हैं एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर एक टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज करते हैं एज द आर्क क्वेंचिंग मीडियम एस एफ सिक्स गैस का एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है एसएफसिक्स गैस जो है इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई होता है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाईली एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होता है एसएफसिक्स सर्किट ब्रेकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके उसको आयंस में कन्वर्ट करता है एंड जो आयंस होगा वो चार्ज कैरियर की तरह बिहेव नहीं करता है आल्सो यू कैन राइट द रिएक्शन फॉर अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ एस एफसिक्स मोलिक्यूल्स एस एफसिक्स सर्किट ब्रेकर डिफरेंट रेटिंग का और डिफरेंट टाइप्स का होता है विथ वोल्टेज इंट्रप्टिंग कैपेसिटी फ्रॉम 33 थ्री किलो वोल्ट टू एट हंड्रेड किलो वोल्ट एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर डिफरेंट मेन पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है इसमें दो यूनिट डिवाइडेड रहता है इंटरप्टर यूनिट एंड गैस सिस्टम यूनिट इंटरप्टर यूनिट जो है उसमें दो करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट प्रेजेंट रहता है एक फिक्सड कॉन्टैक्ट रहता है एंड एक मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है जो कि मूविंग मैकेनिज्म से अटैच्ड रहता है नॉर्मल कंडीशन में मूविंग कॉन्टेक्ट एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जो है वो अटैच रहता है एंड करेंट को कैरी करता है एंड अब नॉर्मल कंडीशन में मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स के टिप्स पर आर्क रेजिस्टेंट मटेरियल से कोटिंग किया हुआ रहता है विथ कॉपर टंगस्टन इसमें इंट्रप्सन चैम्बर से एस एफ सिक्स गैस रिजर्वायर जो है वो कनेक्ट रहता है यहाँ पर इंसुलेटेड रोड्स है जो कि मूविंग मेंबर को ऑपरेट कराता है मूविंग एंड फिक्स्ड कॉन्टेक्ट दोनों होलो रेक्टेंगुलर शेप का होता है एंड गैस सिस्टम यूनिट में एक रिजर्वायर में एस एपसिक्स गैस स्टोर रहता है विथ प्रेशर ऑफ सिक्सटीन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एस एपसिक्स गैस कॉस्टली होता है इसलिए उसका रीयूज किया जाता है आफ्टर इच ऑपरेशन गैस सिस्टम यूनिट में लो एंड हाई प्रेशर चेंबर रहता है विथ अ लो प्रेशर अलार्म एलोंग विथ वार्निंग स्विचेज नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच रहता है एंड नॉर्मल करंट को कैरी करता है उससे नॉर्मल करंट फ्लो करती है एंड लोड में जाती है एंड अगर सिस्टम में किसी टाइप का फॉल्ट होकर होता है लाइक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सपोज ट्रांजिएंट होता है या फिर किसी रीजन से शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में वेरी हाई करंट सर्किट में फ्लो करती है एंड फ्रीक्वेंटली एसएफसी सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है तो वेरी हाई फोल्ड करेंट के कारण फिक्सड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच का जो गैप रहता है वहाँ पर एयर मोलिक्यूल्स हीट होकर आयोनाइज हो जाता है एंड एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट करता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है जो कि एज एन आर्क हमें दिखाई देता है एंड सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन होता है आर्क को कम से कम टाइम में रिमूव करना क्योंकि वहाँ पर आर्क अगर रिमूव नहीं होगा तो फोल्ड करेंट जो है वो कनेक्टेड इक्विपमेंट्स में जाएगी एंड उसको डैमेज कर सकती है इसलिए मूविंग कॉन्टेक्ट के साथ एक बल्ब सिंक्रोनाइज रहता है जब कॉन्टेक्ट सेपरेट होता है तो एज वेल एज बल्ब ऑपरेट होता है एंड हाई प्रेशर चैम्बर से एस एफ सिक्स गैस को रिलीज करता है टू वार्ड्स द आर्किंग प्रोडक्ट विथ प्रेशर अबाउट 16 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हाई प्रेशर एस एफ सिक्स गैस आर्क पाथ पर स्ट्राइक करता है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके उसको आयंस में कन्वर्ट करता है एंड जो आयंस रहता है वो चार्ज कैरियर की तरह बिहेव नहीं करता है आयंस गैस के डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है जिससे आर्क पाथ का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है एंड क्रिएटेड आर्क जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है इस प्रोसेस के बाद एसेपसिक्स गैस का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है अपटू थ्री के जी पर सेंटीमीटर एंड लो प्रेशर गैस जो है वो होलो मूविंग कॉन्टैक्ट के थ्रू लो प्रेशर रिजर्वायर में स्टोर होता है बाय ऑपरेट गैस आउटलेट सिंस एस एफसिक्स गैस काफ़ी कॉस्टली होता है सो लो प्रेशर एस एफसिक्स गैस जो है जो कि लो प्रेशर रिजर्वायर में स्टोर है उसके प्रेशर को अगेन इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग पफर पिस्टन प्रेशर एंड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद उसको हाई प्रेशर रिजर्वायर में ले जाते हैं फॉर देयर नेक्स्ट ऑपरेशन जब फोल्ड पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो दोनों कॉन्टेक्ट्स अटैच हो जाता है एंड नॉर्मल करेंट को कैरी करता है एसेप्सिक्स गैस का एक्सीलेंट इंसुलेटिंग आर्क एक्सटिंग प्रॉपर्टी होता है विच आर द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ एसेप्सिक्स सर्किट ब्रेकर एसेपसिक्स गैस जो है नॉन इनफ्लिमेबल होता है एंड केमिकली स्टेबल रहता है उसके प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन जो है वो नॉन एक्सप्लोसिव होता है इसलिए फायर एक्सप्लोजन का वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक क्लियरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द एस एफसिक्स इसका जो परफॉर्मेंस है वो एटमोसफेरिक कंडीशन के वेरिएशन से अफेक्ट नहीं होता है एस एफसिक्स सर्किट ब्रेकर जो है वो नॉइजलेस ऑपरेशन प्रोवाइड करता है एंड इसमें ओवर वोल्टेज प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज द आर्क इज एक्सटिंग एट नेचुरल करेंट जीरो इस सर्किट ब्रेकर में जब आर्क प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे कार्बन का इमिशन नहीं होता है इसलिए डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का रिडक्शन नहीं होता है एंड इफिशियंटली ऑपरेट होता है इसमें फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है एसेप्सिक्स जो है वो वेरियस ड्यूटीज को परफॉर्म करता है लाइक क्लियरिंग शॉर्ट लाइन फोल्ड स्विचिंग ओपनिंग अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मर रिएक्टर एक्सेट्रा विदाउट एनी प्रॉब्लम इसमें जो सिक्स गैस का हम लोग यूज करते हैं इच ऑपरेशन के बाद उसके प्रेशर को इंक्रीज करके दोबारा उसका यूज करते हैं जो कि एक बिग एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइज ऑफ सिक्स गैस आल्सो देर आर डिसएडवांटेजेस लाइक इसके इंटरनल पार्ट्स को पीरियोडिक मैंटेन्स के टाइम क्लीन करना पड़ता है एंड ड्यूरिंग मेंटेनेंस इसमें स्पेशल फैसिलिटी का रिक्वायरमेंट होता है एंड एक स्किल्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर का जो प्राइस है वो ज्यादा होता है ड्यू टू एस एफ सिक्स गैस सो बोल सकते हैं इट इज अ डिसएडवांटेज एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर मेनली कैटेगराइज इन थ्री टाइप्स नन पफर पिस्टन सर्किट ब्रेकर सिंगल पफर पिस्टन सर्किट ब्रेकर एंड डबल पफर पिस्टन सर्किट ब्रेकर एंड अकेडमिक एग्जाम्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जनरली यही पूछता है वाट इज सर्किट ब्रेकर एक्सप्लेन देयर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अगर स्पेशली सिंगल पफर पिस्टन और डबल पफर पिस्टन करके पूछेगा तभी इन सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करना होगा एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर का यूज़ वहाँ पर हम लोग करते हैं जहाँ पर वेरी हाई वोल्टेज बेस्ड सर्किट होता है अप टू 800 हंड्रेड किलो वोल्ट एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर का यूज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड पावर जनरेशन प्लांट्स में किया जाता है इसका यूज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल्स में किया जाता है इसका यूज पावर सर्किट में लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है एस एफसिक्स सर्किट ब्रेकर का यूज़ ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है एस एफसिक्स गैस को यूज़ करने का मेन रीज़न होता है इट्स नॉन फ्लेमेबिलिटी एंड हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सके अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वारीज है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं